జమ్మూ కశ్మీర్లో పర్యటిస్తున్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. నౌషేరా సెక్టార్లో విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సైనికులకు నివాళి అర్పించారు. తర్వాత అక్కడ జరుగుతున్న సభలో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. शुभकामनाएं देता हूं. देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली किसे पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है. खास करके गुजरात में कल नया साल होता है, तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं. साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया, तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया. यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है. हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है. यहां का वर्तमान, यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है. वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है. नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया. आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी. नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त देख, वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई. दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. भारतीय सेना की ताकत क्या होती है इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी. मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जगन्नाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था. ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी है, अपने पराक्रम से लिखी है, अपने पुरुषार्थ से लिखी है, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है. अभी मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज
दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई के मैदान से आए थे, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ न कभी रुका है,